जीत आपकी, जिसके लेखक हैं शिव खेरा। आप सुन रहे हैं फ्री बुक हब। अगर अब तक आपने पीछे के पार्ट नहीं सुने हैं तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके सुन सकते हैं या ऊपर आई बटन पे भी जाके सुन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। आप कैसे याद किया जाना पसंद करेंगे? करीब 100 साल पहले एक आदमी ने सुबह के अखबार में जब अपना नाम उठावनी वाले कॉलम में देखा तो वह हैरान रह गया। अखबार वालों ने गलत फहमी की वजह से उसका नाम छाप दिया था। उसे पढ़कर वह पहले तो हक्का बक्का रह गया, क्या मैं जिंदा हूं या नहीं। थोड़ा संभलने पर उसके मन में विचार आया कि देखूं लोगों ने मेरे बारे में क्या कहा है। उसके बारे में लिखा था, डायनामाइट का बादशाह मर गया और वह मौत का सौदागर था। इस व्यक्ति ने डायनामाइट की खोज की थी। अखबार में अपने लिए इस्तेमाल किए गए मौत का सौदागर विशेषण यानी एग्जेक्टिव को पढ़कर उसने खुद से सवाल किया, क्या मुझे इसी तरह याद किया जाएगा। उसने फैसला किया कि वह हरगिज नहीं चाहेगा कि लोग उसे इस तरह याद करें। उस दिन से उसने शांति के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसका नाम था एल्फर्ड नोबेल और आज उसे नोबेल पुरस्कार के लिए याद किया जाता है। जिस प्रकार एल्फर्ड नोबेल ने अपने जीवन मूल्यों को दोबारा व्याख्यात किया, वैसे ही हमें भी अपनी बीती जिंदगी को देख समझकर अपने जीवन मूल्यों की नई व्याख्या करनी चाहिए। दुनिया के लिए आपकी विरासत क्या होगी? आप किस तरह याद किया जाना चाहेंगे? क्या आपके बारे में लोग अच्छी बातें कहेंगे? क्या आपको प्यार और इज्जत के साथ याद किया जाएगा? क्या कोई आपके ना होने की कमी महसूस करेगा? फ्री बुक हब सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब अस। छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क डालती हैं। इट्स द लिटिल थिंग्स दैट मेक अ बिग डिफरेंस। एक आदमी सुबह को समुद्र के किनारे टहल रहा था। उसने देखा कि लहरों के साथ सैकड़ों स्टार मछलियां तट पर आ जाती हैं। जब लहरें पीछे जाती हैं तो मछलियां किनारे पर ही रह जाती हैं और धूप से मर जाती हैं। लहरें उसी समय लौटी थी और स्टार मछलियां अभी जीवित थी। वह आदमी कुछ कदम आगे बढ़ा, उसने एक मछली उठाई और पानी में फेंक दी। वह ऐसा बार बार करता रहा। उस आदमी के ठीक पीछे एक और आदमी था जो यह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कर रहा है। वह उसके पास आया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? यहां तो सैकड़ों स्टार मछलियां हैं, तुम कितनों को बचा सकोगे? तुम्हारे ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। दो कदम आगे बढ़कर उसने एक और मछली को उठाकर पानी में फेंक दिया और बोला, इससे इस एक मछली को तो फर्क पड़ता है। हम कौन सा फर्क डाल रहे हैं, बड़ा या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा फर्क लाएं तो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। अगर आपने अभी तक फ्री बुक हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्या आपका जीवन बचाने लायक है? Is your life worth saving? एक लड़का नदी में डूब रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। एक आदमी जो उधर से गुजर रहा था नदी में कूद पड़ा और उसने लड़के को बचा लिया। जब वह आदमी जाने लगा तो बच्चे ने कहा, धन्यवाद। उस आदमी ने पूछा, किस लिए? लड़के ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी बचाने के लिए। उस आदमी ने लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तो इस बात को साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। यह सोचने का समय है, यह सचेत होने का समय है। आत्मसंतुष्टि के बिना सफलता व्यर्थ है। यदि जीवन का कोई अर्थ और उद्देश्य ना हो तो आप कितना भी सम्मान, पैसा और शिक्षा हासिल कर लें, आपको जिंदगी में खालीपन और उदासी ही महसूस होगी। सेहत, पैसा, परिवार, समाज और जीवन मूल्यों के बारे में अपनी व्यक्तिगत सफलता की फिलॉसफी बनाने से ही सफलता की शुरुआत होती है। अगर हमारी जिंदगी में सफलता की साफ फिलॉसफी ना हो तो
ख्याली पुलाव ही हमारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। अगर हमारे पास सफलता की कोई फिलॉसफी नहीं है तो हमने अनजाने में असफलता की फिलॉसफी को अपना लिया है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगा वचनबद्धता। धन्यवाद। अगर आपको ये बुक फ्री में चाहिए तो हमारे पेज पर DM कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें और बुक की प्लेलिस्ट के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर करें। फ्री बुक हब सुनने के लिए धन्यवाद।